अदिति, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागने वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा की जाएगी और अखंड सुहाग का वर मांगा जाएगा। इस दिन शनि जयंती का भी योग बन रहा है, तो ऐसे में इस पुण्यकारी तिथि पर आपको कैसी करनी है पूजा आराधना और प्रार्थना, आइए जानते हैं। एक व्रत से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। एक व्रत जो बढ़ाएगा जीवन साथी की आयु। हम सफर को दीर्घायु करेगा वट सावित्री का व्रत। सुहागिन महिलाओं के लंबे सुहाग का वरदान, जो खत्म करेगा संकट, दूर करेगा विकार। ज्येष्ठ मास की अमावस को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। अखंड सुहाग के साथ साथ पति की लंबी उम्र के लिए सनातन धर्म शास्त्रों में और भी कई व्रतों का वर्णन मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस पर मनाए जाने वाला ये व्रत विशेष महत्व रखता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और इस दिन क्यों वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को कहा जाता है कि ये व्रत जो होता है महिलाएं करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ये जो व्रत होता है ये बहुत ही खास होता है और इस समय पर अगर देखा जाए, तिथि की बात करें तो तिथि जो होती है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है, जिसको हम दर्श अमावस्या या फिर बड़ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और इसे दिन जो है शनि जयंती भी मनाई जाती है, तो ये तिथि और भी ज्यादा खास हो जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ों में ब्रह्मदेव का निवास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। वट वृक्ष पर हर वक्त माता लक्ष्मी का निवास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती रही है। इसके पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। यूं तो हर पेड़ पौधे को उपयोगी मानकर उसकी रक्षा करने की परंपरा है, लेकिन वट वृक्ष या बरगद की पूजा का खास महत्व बताया गया है। वट वृक्ष को ईश्वर माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा उपासना से कई तरह की समस्याओं का अंत भी संभव है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा से तीन देवों की विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों में वट वृक्ष चार तरह के बताए गए हैं, अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट। इनमें चार वट वृक्षों का महत्व ज्यादा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। इस साल वट सावित्री व्रत पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि बरगद के वृक्ष से आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है।
जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। जिस तरह पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना गया है, उसी तरह बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। आपको कैसे करनी है बरगद के पेड़ की पूजा? इस समय पर आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। शनिदेव की पूजा आराधना करने से आपको बहुत खास तौर से लाभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि जो है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े साथी चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए तो खास तौर से ये तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय पर अगर आप शनि की वस्तुओं का जो है दान करते हैं या उनको अर्पित करते हैं शनिदेव को, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो बहुत अधिक लाभ भी आपको प्राप्त होता है। अगर सुहागिन महिला पहली बार इस व्रत को कर रही है तो उनको कैसे करनी है पूजा उपासना, पूजा के लिए कैसे करनी है तैयारी, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। मान्यता है कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने के बाद उसका फल जीवन भर मिलता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत को करके यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाया था। तभी से वट वृक्ष को चिरंजीवी माना जाता है। माँ सावित्री देंगी अखंड सुहाग का आशीर्वाद। चने का भोग बदल देगा किस्मत, कच्चा सूत दिलाएगा बरकत। वट सावित्री के व्रत पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान यमराज के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। इसके पीछे अगर हम कथा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, मान्यता ऐसी है पुराणों के अनुसार, कि सावित्री जो है अब यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण तक ले आई थी। के साथ साथ इस दिन शनि देव की पूजा आराधना भी की जाती है, क्योंकि एक तो अमावस्या की तिथि होती है ज्येष्ठ मास की। अमावस्या की तिथि पर कहा जाता है कि पितरों का तर्पण करना बेहद खास होता है, और इस तिथि को तो बड़ अमावस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बड़ी अमावस्या। तो ये तिथि और भी ज्यादा खास हो जाती है। बरगद के वृक्ष पर सूत का धागा लपेटकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। कहते हैं कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास माना गया है। जहां त्रिदेव होंगे वहां विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। कहा गया है कि मार्कंडेय ऋषि को भगवान कृष्ण ने बरगद के पत्ते पर ही दर्शन दिए थे। ऐसी मान्यता है कि इसलिए ही बरगद के वृक्ष की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। वहीं पर इस दिन दान जरूर करना चाहिए, यानी पितरों का तर्पण के लिए आप चाहे ब्राह्मण को ना भी भोजन कराएं, कोई बात नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दिन आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों को आटा, गुड़, मेवा, ये सारी चीजें जरूर खिलाएं। उससे भी कहा जाता है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री का व्रत कितना पुण्यकारी है और क्या है इस व्रत की पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान कर निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें या मानसिक रूप से इनकी पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें। फूल, धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें।
और आखिर में वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास को समाप्त करें। इस दिन सरसों के तेल का दान जरूर करें। इस दिन सरसों का तेल खरीदे नहीं, अपने घर के लिए ना खरीदे, सरसों के तेल का दान करें। इसके अलावा आप जो है काले तिल, काले चने, गुड़ का दान करें, ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास है यानी गर्मी का महीना है, तो जल का दान इस समय पे जरूर करें। पानी की बोतलें बांट सकते हैं, जो रसायन फल होते हैं जैसे खीरा है, खरबूजा है, आम है, इन सब चीजों को बांट सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है और उस पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से मन चाहा फल मिलता है। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वो तीन वरदान मांगे और कैसे अपने पति सत्यवान के प्राण वरदान में हासिल कर लिया, इसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये व्रत की महिमा आखिर क्यों गाई गई है। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना गया है। ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 19 मई को किया जाएगा। इसके साथ ही सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसपे सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। महिलाएं भी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत और संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है। महिलाएं जो होती हैं इस समय पे बाल धोती हैं अपने। इस समय पर जो अमावस्या तिथि होती है उसमें कभी भी अपने सिर को नहीं धोया जाता, यानी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, केश नहीं धोने चाहिए। तो इसीलिए वट सावित्री व्रत वाले दिन आप अपने केश ना धोएं, इससे एक दिन पहले अपने केश को आप धो सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है काले, सफेद और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए सुहागन महिलाओं को। इस दिन जो है आप लोग लाल, हरे, पीले, नारंगी, मजंटा, पिंक, इस तरह के जो रंग हैं उनको धारण कर सकते हैं, यानी रंग बिरंगे कपड़े धारण करें। आप काला, सफेद और नीला जो है उसको धारण ना करें। तो है ना, वट सावित्री का व्रत परम कल्याणकारी। आगे हम आपको वो कथा बताने जा रहे हैं जिसने यमराज को भी सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। आपने वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और महिमा तो जान ली, लेकिन कहते हैं कि ये व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक इस व्रत पे सावित्री और सत्यवान की कथा ना सुन ली जाए। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं सती सावित्री की वो कहानी जिसने यमराज को भी सत्यवान के प्राण लौटाने को मजबूर कर दिया था। वट सावित्री के व्रत का वर्णन स्कंद पुराण के साथ साथ भविष्योत्तर पुराण में भी मिलता है। इस व्रत में जितना महत्व पूजन विधान का बताया गया है, उतना ही महत्व इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का भी बताया जाता है। इस कथा में सावित्री और यमराज का संवाद बताता है कि स्त्री अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसके सामने छोटी होती है। सावित्री की कथा कहती है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्प आयु हैं। एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
लेकिन फिर भी सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रख कर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। तो इस बार 19 मई को परम सुखद योग में कीजिए वट सावित्री का व्रत और पा लीजिए अखंड सुहाग के साथ साथ पति की लंबी उम्र का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे।